हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है शुक्र ग्रह के गोचर पर। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 को ट्रांजिट कर रहे हैं धनु राशि में। धनु राशि के लॉर्ड हैं देव गुरु बृहस्पति, एक गुरु दूसरे गुरु के घर में, और ये 12 फरवरी 2024 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। तो देखते हैं कि धनु राशि में शुक्र ग्रह के गोचर का किस तरीके का प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपको अपनी लग्न और अपनी राशि दोनों से देखनी है। अगर किसी का लग्न वृषभ है और राशि तुला है तो वो दोनों वीडियो उसको देखे ताकि आप निष्कर्ष पर पहुँच सकें। ठीक है, शुरू करते हैं मेष राशि से। एरीज, तो एरीज आपके नाइन्थ हाउस में शुक्र का गोचर हो रहा है और नाइन्थ हाउस देखिए आपका भाग्य स्थान है, तो डेफिनेटली भाग्य में उछाल आपको देखने मिलेगा, भाग्य में वृद्धि आपको देखने मिलेगी। विवाह के योग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बन रहे हैं क्योंकि देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और यहाँ पर संतान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, विवाह से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, सडन आपके भाग्योदय की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पावरफुल रहेगी। ट्रैवल के थ्रू आपको बेनिफिट हो सकता है, फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी न किसी तरह की तकलीफ आपको डेफिनेटली होगी लेकिन वो हील हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। बात करें वृषभ राशि या लग्न वालों की तो आपके आठवें स्थान पर एट्थ हाउस में शुक्र आ रहे हैं। एट्थ हाउस देखिए सबसे पहले तो आपके ससुराल का है, साथ ही साथ आपके सीक्रेट्स का है और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डेथ का हाउस है। यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं तो अगर आपको कोई बीमारी थी, पहली बात शुक्र खुद संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, तो अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की बीमारियां हैं तो देखिए ये हील होगी, रिकवरी होगी। वहाँ पर हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, साधना मेडिटेशन या ऑकल्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, शुक्र खुद ही भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और आपको अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपके सीक्रेट्स आपको परेशान करें या आपको लेकर कोई र्यूमर, ठीक है, आपको परेशान कर सकता है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। आते हैं जेमिनी, जेमिनी राशि या लग्न वालों के लिए आपके सेवन्थ हाउस में शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, तो सेवन्थ हाउस में वीनस का आना बहुत शुभ है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हारमोनियस रिश्ता आपका रहेगा आपके स्पाउस के साथ। सिंगल हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। ऑलरेडी आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो यहाँ फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लव कम अरेंज मैरिज। अगर आप पब्लिक से जुड़े हुए कोई कार्य में हैं, पॉलिटिशियन हैं, आर्ट्स में अगर आपका किसी तरह का प्रोफेशन है या एक्टिंग में आप किसी तरह के प्रोफेशन में हैं, पब्लिक परफॉर्मेंसेज अगर आप देते हैं बहुत ज़्यादा आपकी रिकॉग्निशन आपकी हो सकती है, नेम आपका, ब्रांड आपका इंक्रीज हो सकता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं से आपको पार्टनरशिप के थ्रू गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जेमिनी वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आते हैं कर्क राशि या लग्न वालों पर। कर्क राशि या लग्न वालों के लिए छठवें घर में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। छठवां घर देखिए रोग, ऋण और शत्रुओं का है। ठीक है, वीनस अगर छठवें घर में आएंगे तो सबसे पहले तो इन लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा या इन लोगों के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, हेल्थ में रिकवरी होगी। अगर आप हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन फील्ड से जुड़े हैं, लॉयर हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं या डाइटिशियन हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर वीनस फेमिनिन प्लैनेट है, अगर आप किसी लेडी से दुश्मनी करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी भी फीमेल से दुश्मनी ना करें।
ठीक है, और अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में रिजॉल्व हो सकते हैं। खर्चे पर नियंत्रण रखें। बात करें लियो राशि या लग्न वालों के लिए, तो लियो राशि या लग्न वालों के लिए आपके फिफ्थ हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। फिफ्थ हाउस देखिए, आपकी लाइफ में अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ आपका ऐसा हॉबी है जिससे आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा क्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बट वो उसको सिर्फ हॉबी तक ही सीमित रखते हैं, प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर ये एक पुश आपको मिलेगा कि आप अपनी हॉबीज़ को या आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं उसको आप इस टाइम पीरियड में बाहर लेकर आ सकते हैं, रिकॉग्नाइज भी आपको किया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एडवेंचर अगर आप पसंद करते हैं या आपको लाइफ में फ़न चाहिए, तो ये टाइम पीरियड आप अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की रिकॉग्निशन भी आपको इस टाइम पीरियड में रिसीव हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहाँ पर लोगों से आपका मिलना जुलना है, कम्युनिकेशन है, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आते हैं वर्गो, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए आपके चौथे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में आपके घर कोई ऐसे गेस्ट आ सकते हैं, जैसे मौसी आ गई या मामी आ गई, बुआ आ गई। ठीक है, फीमेल्स का घर पर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपके घर में किसी तरह का रिनोवेशन आप कर सकते हैं, नया घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। आपके घर का माहौल बहुत हार्मोनियस रहेगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जो कि होम डेकोरेशन से रिलेटेड है, फर्नीचर बिज़नेस है, या व्हीकल से रिलेटेड कुछ आप कार्य करते हैं, या फिर अगर आप रियल इस्टेट में हैं, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में किसी तरह का रिनोवेशन या रिपेयर आप करवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, खुद पर खर्च कर सकते हैं या अपनी माता पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं लिब्रा, तुला राशि या लग्न वालों के लिए आपके जो असेंडेंट लॉर्ड हैं शुक्र, वही आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके असेंडेंट लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन से लोग प्रभावित होंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन से बहुत सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं, आपकी बोलचाल से, आपकी बिहेवियर से लोग आकर्षित हो सकते हैं। छोटी मोटी शॉर्ट जर्नी भी यहाँ पर इंडिकेटेड है। न्यू पार्टनरशिप यहाँ पर आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मार्केटिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे फील्ड से जहाँ पर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक स्पीच, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस अगर आपका है तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रो करेगा आपका बिजनेस। छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है, छोटे भाई बहनों से अगर कोई मनमुटाव था तो दूर हो सकता है। आते हैं स्कॉर्पियो राशि या लग्न वालों के लिए, तो स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें तो आपके दूसरे घर में, सेकंड हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। सेकंड हाउस देखिए आपके घर का है, आपकी सेविंग्स का है, तो यहाँ पर घर का माहौल काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही साथ सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इनकम रेज होगी, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे आप होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं या आप पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप या आपके पिताजी या आपके फैमिली में कोई ऐसे बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है उनके लिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन से आपके बहुत कार्य बन सकते हैं। इस वक्त आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, वाइब्स बहुत पॉजिटिव आएंगी आपको। जैसे कि स्कॉर्पियो राशि चेंज की राशि है, आपको एक सिचुएशन को चेंज करने में बड़ा मज़ा आता है, जॉब चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, बिजनेस चेंज करना, तो यहाँ पर आप थोड़े टाइम के लिए स्टिल रहोगे और काफ़ी हैप्पी वाइब्स आपको आएंगी। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप खर्च करो खुद के घर पर या खुद पर। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही खर्च यहाँ पर हो सकता है, तो आपको सेविंग्स थोड़ी सी
अपनी बैलेंस रखनी है, हाथ पर नियंत्रण रखना है, बेफिजूल के खर्चों से बचना है। बात करें धनु राशि या लग्न वालों की, तो आपके तो असेंडेंट में ही शुक्र आ रहे हैं फर्स्ट हाउस में, तो आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, किसी भी तरह का खर्च लेकिन अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, ठीक है, अपनी हेल्थ पर, अपनी ड्रेसिंग पर, अपने आप को डाइट फॉलो करवाना, जिम ज्वाइन करना, एक्सरसाइजेस करना, अपने मेकअप करना, अपना फेशियल कराना, अपना स्पा कराना, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे। लुक्स वाइज आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही साथ वीनस लग्न में बैठेंगे तो यहाँ पर रोमांटिक लाइफ में भी पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ आपकी शादी या आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप पब्लिक से जुड़े हुए डोमेन में हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक परफॉर्मेंस या पब्लिक से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं तो यहाँ पर वीनस लग्न में बैठकर आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आराधना आपके लिए बहुत शुभ है। बात करें मकर राशि या लग्न वालों की, तो आपके ट्वेल्थ हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। देखिए ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेस का है, लॉस का है, ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का है, तो आपका जो फोकस है वो आप किस सिचुएशन पर है ये आप देख लेना। ज़्यादातर पैसे आप बेड प्लेजर पे खर्च कर रहे हो, अपने स्पाउस पे खर्च कर रहे हो, या आपके अफेयर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या मल्टीपल अफेयर्स हैं, उन लोगों पर खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो। साथ ही साथ माइंड आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा, काम से डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड डोमेन में काम करते हो, जैसे कि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, फॉरेन जाना चाहते हैं ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आपके कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, सबसे सब कुछ शेयर ना करें, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए मेन मैसेज है। आते हैं कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए, तो कुंभ राशि या लग्न अगर आपकी है तो आपके 11th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। 11th हाउस देखिए आपके नेटवर्क का है, तो आपका नेटवर्क सर्कल पावरफुल हो सकता है, नेटवर्क सर्कल से कोई सपोर्ट मिल सकता है, स्पेशली अगर कोई फीमेल है जो कि आपकी नेटवर्क सर्कल में कोई सपोर्टिव एनर्जी है, तो उनकी वजह से आपको गेन्स हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप वायरल हो सकते हैं, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। ट्रैवल इंडिकेटेड है, ट्रैवल इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत शुभ है, हो सकता है आप न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करें, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड में 100% मिलेगा, जब भी आपको नीड होगी आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि, मीन राशि या लग्न वालों के लिए आपके कर्म स्थान आपके 10th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, तो अगर आपका प्रोफेशन वीनस से रिलेटेड है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, अदरवाइज अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है और आपके लिए ये टाइम पीरियड बेनिफिशियल ही रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको अगर आप डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगी, किसी तरह का नेम फेम रिकॉग्निशन, सडनली लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगें, सडनली आपकी कोई चीज़ वायरल हो जाए, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं, या किसी का सपोर्ट आपको मिल जाए, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए
आपके बॉस के साथ आपको बना कर रखनी है। आपके बॉस के साथ अगर बहुत कड़वाहट भरा रिश्ता है तो इस टाइम पीरियड में चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, आपके कलीग्स के साथ रिजॉल्व हो सकती हैं। आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो वहाँ पर चीज़ें बूस्ट हो सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे फील्ड से रिलेटेड हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग्स है, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, हीलर हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ओवरऑल सभी राशियों पर पॉजिटिव प्रभाव है, बट मैंने जो भी क्षेत्र बताए हैं, अगर आपका वीनस आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर है तो यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। अदरवाइज़ ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो वीनस की ट्रांजिट पर। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प एंड गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 12 फरवरी तक आपकी लाइफ में क्या चेंज आए। थैंक यू सो मच गाइज़।